पानीपत के विकास नगर की गली नंबर 21 में बीती रात एक ऐसी घटना घटी जिसने लोगों को दहला कर रख दिया। यहाँ रात करीब 11:30 बजे एक मकान में अचानक आग लगती है जिसमें 30 वर्षीय एक युवक जिंदा जल जाता है। बताया जा रहा है कि मकान की गैलरी में छोटा भाई महेश सो रहा था जबकि कमरे में बड़ा भाई राजू। ऐसे में जब अचानक घर में आग लगी तो छोटे भाई की नींद खुल गई, लेकिन जब तक वो बड़े भाई राजू को बचाने जाता तब तक आग पूरे कमरे को अपनी आगोश में ले चुकी थी, जिसके चलते राजू नींद में ही जिंदा जल गया। ये रात के टाइम 11:30 बजे करीब की बात है। लड़के ने छोटे भाई ने आवाज़ मारी थी तो सारी पब्लिक बाहर निकल के आई थी, सब ने मिल के आग बुझाई थी। उस टाइम तक ये हो चुका था ख़त्म लड़का। हाँ जी, कि कैसे आग लगी ये नहीं पता जी, किस चीज़ से आग लगी है, कैसे लगी है तो ऊपर वाला ही जाने। राजू और महेश 2 भाई थे और तीनों बहनों की शादी हो चुकी है। दोनों भाइयों की मां पिछले 20 दिनों से बहन के पास गई हुई थी। ऐसे में बुधवार शाम 6:30 बजे दोनों भाई काम से घर आए हुए थे। घटना के मृतक के छोटे भाई ने बताया कि काम से घर आने के बाद दोनों भाइयों ने घर की सफाई की थी, लेकिन खाना बनाते समय गैस सिलेंडर खत्म हो गया, जिसके चलते उन्होंने चूल्हे पर चाय बनाई और चाय बिस्किट खाकर सोने चले गए। महेश ने बताया कि घर में आग लगने के बाद उसने बड़े भाई को बचाने की भरपूर कोशिश की, पड़ोसियों को भी बुलाया, लेकिन तब तक आग पर काबू पाया जाता राजू पूरी तरह से जल चुका था। क्या क्या चीज जली हुई अंदर? ये जी फ्रिज जल गया, इसकी बेड जल गए, कपड़े लत्ते जल गए, इन्वर्टर जल रहा है, पंखा जल रहा है और अलमारी जल रही है, मेन गेट जल रहा है जिसका। किस समय का हादसा था? ये 11:30-11:30 बजे की बात है रात की जी। अंदर कौन कौन थे? अंदर बड़ा भाई लड़का बेड पे सो रहा था, छोटा भाई बाहर गैलरी में सो रहा था जी। हाँ जी, अचानक से आग लगी। क्या नाम था इनका? राजू था। राजू था जी और एक का महेश नाम था जी। पता नहीं चला नहीं जी, इन्हें पता नहीं चला जी। दोनों ही भाई रहते? हाँ जी, दोनों भाई, माँ और बहन पटना जाई हुई है, वह आन लग रही है अब। अच्छा, एक चीज़ और भी है, ये बताया कि इनका सिलेंडर खत्म हो गया था रात को, फिर इन्होंने चाय बनाई चूल्हे पे। हाँ जी, ब्रेड का डब्बा बताओ लाए थे, चाय चूहे बनाई थी, वो ब्रेड खा के चाय पी के सो गए थे। खाना भी नहीं बनाया? नहीं जी, खाना नहीं बनाया। दरअसल आग लगने के बाद मकान में धुआं इतना ज्यादा था कि लोग मेन गेट से अंदर घुस ही नहीं सके। पड़ोसियों ने आनन फानन में मकान में बनी दुकान की शटर का कुंडा तोड़कर अंदर घुसे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि आग की लपटों में राजू जल चुका था और घर का सामान भी जलकर खाक हो चुका था। सूचना मिली थी पुलिस का, रात को कोई फोन नहीं आया। 112 रात को आई थी, सुबह 9 बजे 8:30 बजे के आसपास इसका भाई आता लड़के का। अब भैया से बात हो गई, मैं चलो मैं आ रहा हूँ। फिर मैं तुरंत वहाँ से चला, फिर आपका फ़ोन आएगा, फिर मैं आया, मैंने यहाँ देखा करके आपको बोला। इसका ताला भी बंद करके वहाँ पोस्टमार्टम के लिए तैयारी कर रहे थे। मैं आया, देखा ये राजू नाम का लड़का था। 2 भाई थे, एक माँ और एक बहन इनके। तो बाप इनका है नहीं, माँ और बहन बाहर गई हुई थी। राजू अंदर बेड पर सो रहा था और दूसरा जो उसका दूसरा भाई हो बाहर इसमें बरामदे में सो रहा था। तो अंदर जैसे ही आग लगी, या तो ब्लास्ट हुआ, फ्रिज में ब्लास्ट हुआ, या बैटरी में हुआ, या लाइट में हुआ, कैसे हुआ वो तो परमात्मा जाने, हम तो कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। जैसे ब्लास्ट हुआ तो अंदर आग लगी, आग लगने के बाद वो लड़का जिंदा अंदर चढ़ गया। तो जैसे उन्होंने रुका रखा, थोड़ा बदबाद हुई तो बाहर ने देखा, बाहर उन्हें देखा, खोल कर 12 आदमी बुलाए, फिर 112 फ़ोन करा, फिर सभी लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने आग बुझाई। जब तक वो लड़का मर चुका था, फिर पुलिस उसकी डेड बॉडी यहाँ से ले गई, हॉस्पिटल में ले गए। उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी, फिर जाकर पोस्टमार्टम रखा दिया। कहाँ का रहने वाला था? ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। ये काफ़ी 20-25 साल से, तकरीबन 30 साल से यहाँ रहते थे। इनका अपना मकान है और गरीब आदमी थे, मजदूरी करते थे। बहुत बुरा हुआ है, ऐसी घटना बस बहुत घटिया है, बहुत दुख है मुझे इस बात का। अंदर से बताया कि भाई चीखी भी मार रहा था बचाने के लिए। चिक्की जो जिंदा आदमी जलता, चिक्की नहीं मारा क्या? तो आप सब गए बता, दुख तो मामूली सा, तो जिंदा जला बेचारा, अगर मरा उंगली भी कट जाती है आदमी की, चिक्की मारता आदमी, कोई भी आदमी हो चाहे। इसमें दर्द तो दर्द ही हो, दर्द सहन करना आसान बात होती है क्या? फिर जिंदा जला है वो, बहुत बुरा हाल हुआ उसका। बता दें कि 30 वर्षीय मृतक राजू मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, लेकिन पिछले 30 सालों से उसका पूरा परिवार पानीपत के विकास नगर स्थित 21 नंबर गली में रहता था। विकास नगर में राजू का अपना मकान था और उसका परिवार मजदूरी करके अपना भरण पोषण करता था। इस घटना के बाद विकास नगर मोहल्ले में मातम सा पसरा हुआ है और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बहरहाल अभी आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है, ऐसे में देखना होगा कि पुलिस छानबीन में क्या कुछ खुलासे होते हैं। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब की श्री टीवी।